1 जून से शहर के अनलॉक होते ही 3 विधानसभाओं में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स की शुरुआत की गई है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर लोग अपनी गाड़ी में बैठे बैठे ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल 45 प्लस वालों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे सेंटर्स की शुरुआत 3 अन्य विधानसभाओं में भी जल्द होने वाली है। मंगलवार को इंदौर की 3 विधानसभाओं में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स की शुरुआत हुई। इसमें नेहरू स्टेडियम, कनकेश्वरी ग्राउंड और लालबाग शामिल है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया, विधायक मालिनी गौड़, भाजपा के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा और निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने नेहरू स्टेडियम सेंटर का शुभारंभ किया। शुभारंभ के साथ ही बड़ी संख्या में 45 प्लस वाले यहां अपनी गाड़ियों से पहुंचे और वैक्सीन भी लगवाई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने यहां की व्यवस्था का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि 3 और विधानसभाओं में इन सेंटर्स की शुरुआत की जाना बाकी है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की माने तो कोरोना से बचाव सिर्फ वैक्सीन ही है। सीएम ने भी सभी से वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया है। इंदौर में 6 स्थानों पर ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की सुविधा रहेगी। उन्होंने आगामी दिनों में वैक्सीन की कमी दूर होने की भी बात कही। कोविड और कोरोना है ये हमारे इंदौर की नहीं, मध्य प्रदेश की नहीं, राष्ट्र की नहीं, पूरे विश्व की महामारी है और इसकी जो एक कवच है ब्रह्मास्त्र वो वैक्सीन है। आज मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री का भी अनुरोध है कि हर व्यक्ति, समाज का हर तबका, हर भाई और बहन वैक्सीन लगाए, अपनी रक्षा करे, अपने परिवार की रक्षा करे, अपने इंदौर की रक्षा करे। मैं नगर निगम के सारे अमले को, प्रशासन को और स्वास्थ्य विभाग को बहुत बहुत बधाई और कि उन्होंने जो इस कोविड की लड़ाई में जो ब्रह्मास्त्र है उस पवित्र काम कर रहे हैं। इसी के साथ पूरे इंदौर में 6 जगह व्यापक रूप से 4-व्हीलर हो, 2-व्हीलर हो, एक सुविधाजनक सुविधा दी है। इसी के साथ जो टेस्टिंग है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इस इंदौर में लगभग 10,000 टेस्टिंग लोग रोज हो रही है। इसके लिए भी मैं नगर निगम को और उनके सारे हम लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो संकल्प के साथ मुख्यमंत्री का लक्ष्य है, मुख्यमंत्री का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री का संकल्प है हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, टीकाकरण हो, ये उसमें एक संजीवनी का और नींव का पत्थर साबित हो। आप जानते हैं इसका निरंतर एक प्रक्रिया चल रही है। आपको 1-2 दिन में कहीं भी, 2-4 दिन में कहीं कमी नहीं मिलेगी। वैक्सीन लगाने का हमारा संकल्प है, हम करेंगे। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि हर विधानसभा में इस प्रकार के सेंटर रहेंगे जिससे लोगों को वैक्सीनेशन में काफी सुविधा मिलेगी। यहां कोविड की जांच और अन्य टेस्ट भी सरकारी रेट से भी कम में होंगे। आगामी दिनों में 18 प्लस वालों के वैक्सीनेशन भी यहां शुरू किए जाएंगे। नगर निगम के सहयोग से हर विधानसभा में इस प्रकार के सेंटर रहेंगे और मुझे लगता है कि सेंटर होने से जो लोगों को सुविधा मिलेगी, आपने देखा होगा पूरा खुला वातावरण है, पूरी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है, सबको टोकन मिलेगा, समय पे वैक्सीनेशन होगा, उसकी पूरी जांच होगी और सबसे अच्छी बात तो ये है कि वैक्सीनेशन को लेके उसके अलावा भी कोविड की भी जांच होगी और जो कोविड की आरटीपीसीआर की जो दरें सरकार ने तय की थी वो 700 रुपये टेस्टिंग की थी, लेकिन यहाँ और रेट कम होके सरकार के से भी कम 600 रुपये में होगी और कोविड प्रोफाइल जो है वो सरकार ने 1800 रुपये टेस्ट का दर तय की थी और यहाँ पर 1300 रुपये में होगी, तो जो सरकार ने रेट तय किया उससे भी कम होगी। CBC और CRP जो टेस्ट होती है, जो ब्लड में रहती है, उसकी टेस्ट का सरकार ने 500 रुपये तय किया था निर्धारित, पर यहाँ पर 300 रुपये में होगी। तो ये जो सुविधा जनता को मिल रही है, यहीं पर नहीं, जो अलग अलग विधानसभाओं में आज हम जा रहे हैं और वहाँ पर कर रहे हैं, ये जनता की सुविधा के लिए रहेगा और मुझे लगता है इसके माध्यम से ज़्यादा लोग वैक्सीन भी कराएं और अपनी कोविड की जाँच भी कराएं। विधायक महेंद्र हार्डिया ने कहा कि इस सुविधा से बहुत जल्द 45 प्लस वाले सभी लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो सकेगा, जिसके बाद यहां 18 प्लस वालों का वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। देखिए, इंदौर का ये पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर, अपनी गाड़ी से आइए, चाहे 2-व्हीलर से आए, चाहे 4-व्हीलर से आए, अभी ये 45 प्लस वालों के लिए चालू यहाँ पे टीका लगाया जा रहा है। लगभग 2 लाख ऐसी संख्या है इंदौर के अंदर 45 साल से ऊपर की जिनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो मैं समझता हूँ इस पहल से इंदौर नगर निगम की इस पहल से हम वो 2 लाख की संख्या शीघ्र पूरी कर लेंगे
और जब ये पूरा हो जाएगा ये 45 प्लस वाला, तो फिर इसको 18 प्लस वालों का जो वैक्सीनेशन अभी चालू हुआ है उसके लिए खोल देंगे, ताकि उनका भी बहुत स्पीड के साथ विधानसभा क्षेत्र 5 के अंदर वैक्सीनेशन हो। निगमायुक्त प्रतिभा पाल माने तो सभी विधानसभा में एक एक स्थल चयनित किया है जहां आसानी से वैक्सीनेशन हो सकेगा। इन स्थानों पर सप्ताह में 6 दिन वैक्सीनेशन होगा। ड्राइव इन वैक्सीनेशन का यह इंदौर का अपना प्रयास है। वैक्सीनेशन की जो व्यवस्था है वो विकेंद्रीकृत करने के लिए प्रयास किए गए हैं कि सभी विधानसभाओं में एक एक ऐसा स्थल चयनित किया गया है जहां पर वैक्सीनेशन आसानी से किया जा सके। उद्देश्य ये रखा गया है क्योंकि कई जो अपनी वैक्सीनेशन साइट्स हैं उनमें जो नॉर्मल वैक्सीनेशन डे होते हैं जहां बच्चों का टीकाकरण होता है या माताओं का टीकाकरण होता है, उस दिन वो वैक्सीनेशन सेंटर्स इन जनरल बंद रहते हैं। तो आइडिया ये है कि इन 6 जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर हमारे सभी 6 दिन खुले रहेंगे। सप्ताह में 6 दिन यहाँ लगातार वैक्सीनेशन होगा। वैक्सीनेशन का जो समय है वो 9 से 5 रहेगा। ये व्यवस्थाएं ड्राइव इन इसलिए रखी गई हैं क्योंकि कई सारे लोग हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहते, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं करा रहे थे, या हमारी जो 2 से 2.5 लाख की अभी जनसंख्या 45 वर्ष से ऊपर की है जिनका वैक्सीनेशन अभी होना है, ये वो लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज भी नहीं लगी है। इसीलिए व्यवस्थाएं ऐसी बनाई गई हैं कि सभी के लिए कन्वीनियंट रहे। यदि किसी के घर में 60 वर्ष से 65 वर्ष से ऊपर के भी लोग हैं जिनको चलने फिरने की कोई दिक्कत है, इस तरीके के लोग भी आसानी से अपने वाहन में आकर 2 से 3 मिनट के भीतर अपना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ से जा सकेंगे। व्यवस्था 2 प्रकार की रखी गई है जिसमें 4 पहिया वाहन आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा, वाहन में ही अपना वैक्सीनेशन कराएंगे, और उसके बाद जो लेन बनाई गई है लंबी लूप उसमें 30 मिनट का वेट करके निकल सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो 2 पहिया वाहन है वो आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वैक्सीनेशन करेंगे, और ये जो शेड बनाया गया है यहाँ पर 30 मिनट का एक रेस्ट करके वो निकल सकेंगे। तो उसका पीछे उद्देश्य यही है कि लोगों को कम समय में, और कई बारी सबके मन में ये डर रहता है कि अगर हम कहीं वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं कहीं वहाँ से हम वायरस लेके ना आ जाएं, तो ये व्यवस्था है कि दूर दूर लोग रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन कर सकें, संक्रमण की संभावना कम से कम रहे, इसलिए इन व्यवस्थाओं को शुरू किया गया। ये इंदौर का अपना प्रयास है जो डिसेंट्रलाइज तरीके से हम लोग कर रहे हैं। हालांकि ये क्लेम कर पाना मुझे लगता है, मुझे आइडिया नहीं कि बाकी जगह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंदौर ने ये कोशिश की है क्योंकि अपने यहाँ जो शहरी जनसंख्या है वो कन्वीनियंस थोड़ा चाहती है। जब कन्वीनियंस होती है तो लोग टर्नअप होते हैं, और हम लोग पूरा ये विश्वास है कि अगले 10 से 15 दिन में हमारा ये जो 2 लाख 2.5 लाख का चंक जो छूटा हुआ है पहले डोज के वैक्सीनेशन से, ये हम लोग पूरा कर सकते। निगमायुक्त ने कहा कि 85 वार्डों में वार्ड सैंपलिंग क्योस सेंटर भी शुरू किए गए हैं जहां 2 प्रकार की जांचें की जाएगी। ये सेंटर्स रहेंगे वो एक्सक्लूसिवली सारे के सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स रहेंगे। इसके अतिरिक्त आज से हम लोग अपने 85 वार्डों में एक वार्ड सैंपलिंग क्योस्क शुरू कर रहे हैं जिन्हें वहाँ की वार्ड क्राइसिस समितियाँ शुरू कर रही हैं। उनमें व्यवस्थाएं 2 प्रकार की रहेंगी। एक तो सभी जितने भी वार्ड सैंपलिंग कियोस्क हैं वो सभी ऐसे स्थानों पे खोले गए हैं जो इन जनरल स्कूल्स हैं, क्योंकि स्कूल सभी बंद हैं, और उनमें 2 कमरे लिए गए हैं। उनमें 2 प्रकार की जांचें होंगी, पहला RT-PCR और दूसरा खून से संबंधित सभी प्रकार की जांचें, क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनको कोविड प्रोफाइलिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली 2 टेस्ट की CBC और CRP, जिससे कि उनका वायरस लोड हो, बाकी सभी चीज़ें पता चलती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें प्राइवेट लैब्स जो है वो कोलैबोरेशन में काम कर रही हैं, और हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो सरकारी दरें हैं टेस्ट की, कोविड प्रोफाइलिंग की और RT-PCR की, उनसे कम रेट पे, सब्सिडाइज रेट पे ये लैब शुरू, ये क्योस्क शुरू हो रहे हैं। इनमें फ़ायदा ये रहेगा कि ये सवेरे 8 बजे से 1 बजे तक खुले रहेंगे, कोई भी व्यक्ति अपने वार्ड में जाके अपना सैम्पलिंग करा सकता है, ये कोविड प्रोफाइलिंग करा पाएगा, और ये 24 घंटे में ही सैंपलिंग की जो रिपोर्ट है वो 24 घंटे में संबंधित को उपलब्ध कराएं। विधानसभाओं में ड्राइव इन वैक्सीनेशन शुरू होने से 45 प्लस वालों को वैक्सीन लगवाने में आसानी होगी। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि 45 प्लस वाले जिन्हें पहला डोज भी नहीं लगा है उन सभी का आगामी दिनों में वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।